गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी श्रुति मिश्रा। आज मेरा रिव्यू होने वाला है एक काफी वेल नोन प्रोडक्ट के बारे में। एंड गाइस, ये है वीको टर्मरिक स्किन क्रीम एंड विद सैंडलवुड ऑयल, आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और ये क्रीम हेल्प करती है आपके पिंपल्स को रिमूव करने में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे यूज करना है आपके पिंपल्स के लिए, इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, इसके बेनिफिट, इसके साइड इफेक्ट, एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक को आप मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे प्लीज उसे एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्मरिक स्किन क्रीम एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस की क्रीम है ये। 15 ग्राम की क्रीम आपको मिल जाएगी 60 रुपीज की। शेल्फ लाइफ आपकी इसकी 3 इयर्स की है, 3 इयर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर बात करें पैकेजिंग की, तो काफी पुराने जमाने टाइप की इसकी पैकिंग है। इस तरीके का ऑरेंज कलर का चटक सा कार्डबोर्ड बॉक्स है जो कि अट्रैक्टिव है, और अंदर आपको छोटा सा इस तरीके का ट्यूब मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और नोजल कुछ इस तरीके का है। बैक पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मेंशन की गई है। इसकी कंसिस्टेंसी की, तो आप देख सकते हो कि ये येलो कलर की इस तरीके की क्रीम है, और ये स्किन में काफ़ी ज़्यादा फैलती है। थोड़ी थिक टाइप की क्रीम है, एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, और स्मेल इसकी काफ़ी तीखी है। शायद आपने कभी लिया हो तो आपको पता होगा कि ये किस तरीके का स्मेल करता है। बहुत ही इसकी चटक सी स्मेल है, जो कि थोड़ी देर क्या आपके फेस से 1-2 घंटे तक आती रहेगी। बात करें इसके इंग्रीडियंट की, तो इसमें मिक्स किया गया है टर्मरिक, लौंग, राइजोम, सैंडलवुड ऑयल, एक्सिपिटेंट। और आपको इसका मैं इंग्रेडिएंट का स्नैप स्क्रीन में डाल दूंगी, यू कैन चेक दैट। अगर बात करें, इसमें हल्दी डाला गया है, लौंग डाला गया है, और चंदन का ऑयल डाला गया है, चंदन तेल डाला गया है, जो कि आपकी स्किन के पिंपल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हल्दी जो कि एक एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, स्किन के जो प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शन है, उनको कम करती है, आपके एक्ने पे, ब्लेमिशेस पे, मतलब कि उनके दाग धब्बों पे, अगर आपकी स्किन बर्न हो गई है तो इसमें हल्दी मिली है वो भी ये हील करता है, कि स्किन के इन्फेक्शन को कम करता है, स्किन के डिसऑर्डर्स को कम करता है, स्किन को फेयर करता है, टोन अप करता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये क्रीम क्या क्या क्लेम करती है। अगर बात करें इसको यूज करने का तरीका, इसको 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जैसा मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ इस क्रीम को, जैसे मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पिंपल्स हैं या कोई दाने हैं, तो आप इसको नाइट पे एज अ डॉट पैच वर्क की तरीके लगा के सो सकते हैं, और इसको आप अपने थंब से एब्जॉर्ब करा सकते हैं, ताकि ये क्रीम आपकी स्किन के अंदर जाए। और आप देखेंगे कि अगर आपका जो पिंपल बम्प है, मतलब पिंपल है जो कि उभरा हुआ है, वो 1-2 रात में ही थोड़ा कम हो जाएगा, और इतना बड़ा स्पॉट छोड़ के नहीं जाएगा जैसे नॉर्मली पहले जाता था। ये आपके पिंपल्स को बहुत कम करने में हेल्प करती है। अगर आपको फेयरनेस के तरीके यूज करना है, तो आप इसको फेस पे पूरी तरीके से डॉट करके स्किन में मसाज कर सकते हैं, ताकि स्किन में एब्सॉर्ब हो जाए। गाइस, इसको आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन अगर ऑयली है, तो थोड़ा सा ये स्किन में ऑयल देगी, मतलब कि थोड़ा सा आपको पसीना आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। रिजल्ट थोड़ा सा इसका स्लो होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी कंप्लीट आयुर्वेदिक क्रीम है, मुझे जैसा फील होता है, इसमें कोई ज्यादा खास केमिकल नहीं लगता है, इस वजह से इसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट है, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर। पिंपल्स और एक्ने पे तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, जैसा मुझे फील होता है। बाकी स्किन इन्फेक्शन है, अगर छोटा मोटा कोई स्किन इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा की मैं बात नहीं कर रही हूं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। हल्दी है इस क्रीम में, बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है स्किन के इन्फेक्शन को कम करने में। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क करे। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर इसका साइड इफेक्ट की बात करें, तो कोई इसका साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है, बस ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा पसीना आ सकता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप इसको किसी मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं इनकेस, बाकी आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ये व्हाइट कास्ट देती है, जो कि इसमें हल्दी मिक्स है, तो थोड़ा सा
वाइटी टिंट देती है जो कि नॉर्मल है। अगर रिकमेंड करने की बात करें तो ये गाइज मैं हाईली रिकमेंड करूँगी उनको जिनको पिंपल्स हो जाते हैं कभी कभार, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते ऐसे कोई पिंपल्स वाले सीरम पे या एस्ट्रीजेंट पे, तो डेफिनेटली इसको एक ट्यूब परचेज कर सकते हैं छोटा सा और ट्राई कर सकते हैं। हद तक का हेल्प करेगा आपके पिम्पल्स को, पिम्पल्स के साइज को डिक्रीज करने में। और अगर इसको अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो आपकी स्किन क्लियर होगी, स्पॉटलेस होगी, जो कि मुझे फील होता है ये आपके फेस पे एक एंटी मार्क क्रीम की तरीके भी ये बहुत अच्छे से वर्क। जरूरत इतनी है कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करते रहो, क्योंकि अगर एक हफ्ते यूज किया और सोचा कि रिजल्ट मिल जाएगा तो इतना फास्ट इसका रिजल्ट नहीं है, थोड़ा टाइम जरूर लेता है लेकिन रिजल्ट मिलता जरूर है। सर आपने इस क्रीम को यूज किया है, जैसा भी आपका रिजल्ट है, जैसा भी आपका फीडबैक है, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जो मेरे और व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिल सके कि ये क्रीम वर्क करती है कि नहीं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इस क्रीम को लेके। सो गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।